बाजार में कमजोरी हावी इस वक्त देखा जाए तो 9050 के आसपास निफ्टी कर रहा है ट्रेड, वहीं सेंसेक्स में भी देखें तो करीब करीब 150 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल शेयरों पर दबाव, रिलायंस इंडस्ट्रीज को तगड़ा झटका। रिलायंस पेट्रोलियम ट्रेडिंग मामले में सेबी ने 1300 करोड़ का जुर्माना लगाया। 13 प्रमोटर कंपनियों के एफएनओ ट्रेडिंग पर भी लगी रोक। रिलायंस ने कहा सैट में करेंगे। कम हुई कोल इंडिया की पेनल्टी। सीसीआई ने पेनल्टी 1770 करोड़ रुपए से घटाकर 590 करोड़ की। फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट में गड़बड़ी की वजह से लगी पेनल्टी। लोकसभा में आज पेश हो सकता है जीएसटी बिल। मनी बिल के तौर पर सभी बिल होंगे पेश। 28 मार्च को हो सकती है चर्चा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई कर्मचारियों की संख्या में कर सकती है कटौती। अगले 2 साल में 10% कर्मचारियों कम करने की है योजना।